गाइस कैसे हो सारे। आई होप सब ठीक ठाक, लेकिन मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था, वो होते नहीं है 30-40 सेकंड्स के वीडियो आते हैं वो, अरे बड़ा सही चीज़ है भाई। उसमें पबजी के बड़े बड़े मस्त मस्त वीडियोज़ आती रहती हैं एंड फैक्ट्स के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। सो मैं वही देख रहा था, लेकिन उसी बीच में अचानक आ गया इस भड़वे का डिस्ट्रैक्ट फॉर धीरू मंचिक। तो यार जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें ये बात पता है कि मैंने रोस्टिंग ही धीरू मंचिक से सीखी है। तो भाई अगर उसे कुछ बोलोगे तो भाई बहुत गंदा सीन होगा। और जब से मैंने ये भाई डिस्ट्रैक इसका सुना हुआ है ना भाई, दिमाग में ये बैठा हुआ कि इसके लेंगे और कह के लेंगे। भाई शुरू करते हैं, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा शुरू होने से पहले कि ईयरफोन लगा लेना भाई, ईयरफोन हेडफोन जो भी हो तुम्हारे पास भाई प्लीज़ आज लगा लेना। तीन गाने बनाने के बाद यू डिसाइडेड टू डिस समवन जिसका फोटो डिस करना है। कृष्णा ने स्टोरी लगाई जो कि धीरू मंचिक को ऑफेंडेड लगी, तो उसने उस पर रिएक्ट करते हुए एक डिस ट्रैक निकाला जो कि इस लौंडे के हिसाब से धीरू ने गलत किया। क्यों भाई क्यों गलत किया उसने? मतलब कृष्णा करे तो वो कूल है, और भाई कोई अन्य यूट्यूबर कोई क्रिएटर करे तो भाई क्रिंज इनटू 100 हो गया भाई। क्यों? क्योंकि भाई कृष्णा का फोटेड ही डिस करने का है, वो किसी को भी डिस कर सकता है, बट कोई और उसे डिस करे तो भाई वो बिल्कुल सही नहीं है भाई, बहुत गलत है भाई। इस साले ने दो ही गाने बनाए, ये कैसे किसी को डिस कर सकता है, वो भी कृष्णा को। और एक चीज मैं बता दूं, कृष्णा ने बहुत ही जनरल वे में एक स्टोरी डाली थी कि दिस यू नो यूट्यूबर म्यूजिक इज क्रिंज वगैरह वगैरह। तू बहन का लौड़ा है, तू चूतिया है, तू माधरचोद है ब्रो, ऑफेंडेड मत होना, मैंने नॉर्मल इन जनरल वे में बोला है भाई। तुम्हें तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर तुम्हें मेरी गालियों का बुरा लग रहा है तो भाई एक बात जान लो, कोई भी चीज इन जनरल वे में नहीं होती। उसने बोल दिया तो बोल दिया, दैट्स इट। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? हाँ, मेरे पिछले वाले डिस में काफी लोगों ने एक चीज को मिसअंडरस्टैंड किया। मेरी एक बार थी तू है मुफाड़ तो मैं बना कृष्णा, मैं वहां पे धीरू मंचिक को मुफाड़ से कंपेयर नहीं कर रहा था। धीरू मंचिक बोलता है तो उसकी आवाज ऐसी निकलती है जैसे मुंह गला फाड़ है, मुंह फाड़ है, ठीक है? तो ये मतलब, तो ये जो तुम बोल रहे हो, धीरू मंचिक बोलता है तो उसकी आवाज ऐसी निकलती है जैसे मुंह गला फाड़ है, मुंह फाड़ है। जिसने भी वो डिस्ट्रैक्ट सुना है उसे समझ में आ गया है कि तुम अपने आप को कृष्णा और उसे मुंह फाड़ बोल रहे हो। जो तुम फालतू का ढोंग कर रहे हो कि वो मुंह फाड़ के गाता है, मुंह खोल के गाता है, उसकी आवाज फट के आती है, इसलिए मैंने उसको मुंह फाड़ कहा। तो भाई मत करो भाई, ढोंग मत करो, तुम्हें कंपेयर करने से उस तरफ से तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं आएगा। इसलिए वो सबको समझ में आ गया कि कृष्णा की और मुंह फाड़ की जो बीफ हुई थी उससे रिलेटेड तुमने बोला है, लेकिन धीरू भाई की तरफ से कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं आएगा, टेंशन ना लो भाई। रिसेंटली मुफाड़ वाज सीन चिलिंग विद रागा, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। देख प्लीज 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 डोंट बी क्यूट, क्यूट मत बनो भाई, तेरे ऊपर क्यूटनेस सूट नहीं करता। ये जो तू सोच रहा है ना कि ये बोल के तू बच जाएगा, तो तुझे समझ में आ गया था कि इस मुंह फाड़ के बाप से मुंह फाड़ के फैंस तेरे पे चढ़ने वाले हैं, इसलिए तू ये जो क्यूटनेस का ढोंग कर रहा है मत कर भाई, मत कर मत कर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। वेरी ऑनेस्ट हियर, जितने भी व्यूज तेरे को ये तेरे गानों पे आ रहे हैं ना, योर सॉन्ग्स आर रियली नॉट वर्थ दोज मेनी व्यूज। तो यार जितने लोग भी यूट्यूब पे पहले किसी चीज में नाम बना करके अगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो उस पे जो व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नया जो किए हैं उसकी वजह से व्यूज आ रहे हैं, उन्होंने जो पास्ट में जो पुराने जो किया है व्यूज उसकी वजह से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। समझ नहीं आया ना? मुझे पता है तेरा दिमाग थोड़ा छोटा है इसलिए तुझे समझ नहीं आया होगा। मैं एग्जाम्पल देके समझाता, जैसे बीबी के वाइंस हैं, उन्होंने सॉन्ग्स बनाया, उस पे जो व्यूज आएंगे वो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज उनके वाइंस वीडियोस की वजह से आएंगे, ना कि उस गाने की वजह से आएंगे। तो भाई सॉन्ग्स गलत बने या सॉन्ग्स सही बने, व्यूज उस पे आने ही आने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते हैं, जो कि तेरा कहना है भाई। यार धीरू हाथ जुड़वा ले यार, म्यूजिक से मत कर यार, प्लीज जस्ट आई एम सो सॉरी बट योर म्यूजिक इज वेरी ट्रैश। और भाई तू रील्स बना ब्रो, गा मत प्लीज भाई, कि ये भाई रोस्टर है, ये कैसे रैप वीडियो बनाएगा, ये भाई ये कैसे गाना बनाएगा, ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है भाई किसी को, वो भी कृष्णा को। तो भाई सुन, मां चुदा भग जाए यहां से ब्रो, तेरे 3 मिलियन सब्स हैं। तो यार एक चीज जो तुम इस चूतिए के बारे में नहीं जानते वो जान लो, ही सो ऑब्सेस्ड फॉर सब्सक्राइबर, मतलब आई डोंट नो व्हाई बट भाई पागल है ये लौंडा। बेहतर कर सकता ब्रो, आई कैन डू बेटर देन दिस ब्रो, अगर ये प्रोडक्शन मेरे को मिल जाए भाई मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊं। मतलब हर वीडियो में जिसके बारे में ये बात कर रहा है उसके सब्सक्राइबर्स के बारे में अगर बात ना करे तो भाई इसका तो वीडियो ही नहीं बनता। 3 मिलियन सब्स हैं ब्रो, थोड़ा तो ध्यान रखने भाई, 3 मिलियन सब्स डूड, 4 मिलियन सब्स, कैन यू फकिंग बिलीव? और इसके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्योंकि उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 2 मिलियन। ही हैज 154k सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, बिग नंबर। 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भाई इस बंदे के, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फक सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के।
अगर तुम्हें कहीं सुनाई दे एज यू वांट टू गिव अ ब्लो जॉब फॉर सब्सक्राइबर तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी भाई। लेकिन ये सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरे 200-300 सब्सक्राइबर हैं, हाँ अपन भाई बहुत गरीब है, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मैं गरीब हूँ, 200-300 सब्सक्राइबर हैं तो उसमें से जो मुझे देखते हैं प्लीज भाई एज सर को सब्सक्राइब करो, मुझे अनसब्सक्राइब करो बट भाई को सब्सक्राइब जरूर करो। अबे सीरियस मत ले लेना बे कि सच में अनसब्सक्राइब कर दें। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। यूट्यूबर का नाम है सलोनी आपा, नाम से ही क्रिएटिविटी लेवल पता चल जा रही। तो देखो यार नाम की बात भी कौन कर रहा है, जिसका खुद का नाम सुधरा हुआ नहीं है भाई, क्या नाम है समझ में नहीं आता। एसुस है, अजूज है, क्या अचूस है, मतलब क्या है भाई, कंफर्म बता तो दो। नहीं यार अगर मैं कोई चैनल बनाऊं उस पे नाम रखूं तो सोच के नाम रखूं क्या रखना है, ये नहीं कि भाई जो मैं करता हूं मेरा मतलब मेरा चूसने का काम है तो मैं वही नाम भी रख दूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि धीरू मौंचिक ने मेरी पूरी एक वीडियो उठा ली थी, तो जब रियाज अली जस्टिन बीबर के साथ लाइव गया था तो 26 नवंबर को मैंने उस पे एक वीडियो डाली थी, फिर 5 दिसंबर को धीरू मौंचिक ने मेरी वीडियो कॉपी करते हुए डाली। तो देखो यार एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि धीरू मौंचिक ने कॉपी किया कि कोइंसिडेंस हुआ आई डोंट नो। जैसे कि मैं वीडियोस बनाने में थोड़ा लेट हो जाता हूं, मैं यूट्यूब पे बहुत कम ध्यान देता हूं, तो जैसे कि मैंने धीरू मौंचिक का कोई रोस्ट वीडियो देखा और मैंने मन बनाया कि मुझे भी उस बंदे को रोस्ट करना है जिसे धीरू ने रोस्ट किया है, बट हो सकता है कि मेरी वीडियो की रोस्टिंग का स्टाइल भी धीरू की तरह ही हो, क्यों, क्योंकि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे फॉलो किया है। भले ही तेरे साथ ना हो, तेरी वीडियो सबसे अलग हो भाई, किसी से 1% भी सिमिलर ना हो, बट मेरे साथ होता है भाई ये चीज। मेरी वीडियोस कभी ट्रिगर्ड से, कभी धीरू से, कभी थगेश भाई से इंस्पायरिंग होती है, कभी उनसे कुछ ना कुछ पार्ट सिमिलर हो जाता है मेरा, क्यों, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता हूं, मैं उन्हें देखता हूं, इसलिए उनकी तरह मेरा वीडियो भी बन सकता है। इसमें इसे कॉपी नहीं बोलते, इसे सिमिलैरिटी बोलते हैं। Who's this? Oh, अरे धीरू मौंचिक भैया, अरे इस लड़के के लिए हम वो तीन शब्द कहना चाहेंगे, वो तीन शब्द मैं बोल देता हूँ, कंटेंट मत चुरा। और मैं भी तुझे तीन शब्द बोलना चाहूंगा, तू चूतिया है, मान ले भाई तेरा भला होगा। मेरी गाड़ फट रही है बहुत तेज, बहुत ज्यादा। हाँ भाई बहुत ज्यादा बहुत तेज मेरी टैगलाइन हुआ करती थी, बट जब से धीरू मौंचिक ने वही सेम शब्द अपने मुंह से निकाले हैं मेरी टैगलाइन पे गंद लग गई है और मैंने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्रिंज फील होता है। ठीक, मतलब एक चीज तुम समझ लो भाई, ये मतलब अटेंशन के पीछे पागल है भाई, किस तरह से धीरू की अटेंशन इसे मिले, किस तरह से धीरू भाई इस पर एक वीडियो जरूर बनाए, डिस्ट्रैक्ट कैसे निकाले, मतलब ये मतलब उसकी अटेंशन के लिए तो मतलब पागल ही हो गया ये लौंडा। राखी सावंत से ज्यादा अटेंशन इस लौंडे को चाहिए, मेल वर्जन ऑफ राखी सावंत है ये। अरे बिग बॉस में जाओ ना, बहुत मिलेगा वहां पे अटेंशन, सल्लू भाई पर्सनली देंगे तुमको अटेंशन। मतलब 1 साल हो गए बट ये तो भाई पीछे ही पड़ गए धीरू मौंचिक के, कि भाई अरे भाई क्यों परेशान करे इतना बच्चे को, भाई दो अटेंशन दो भाई, दो शाउट आउट वाउट दो इसको, पागल हो गया उसके लिए, बच्चे का दिल मत तोड़ो यार। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मुंह फाड़ की एक लाइन है कि जिंदगी भर रखो चाहिए कलेश सारी, हिला ना पाओगे अंगद का पैर भारी, दैट्स इट। तो यार आज की वीडियो इतनी थी, इससे ज्यादा गंदगी इस चूतिया की मैं झेल नहीं पाऊंगा। वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं अब तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कमेंट में बताओ कि न्यू वीडियो किस पे चाहिए एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, एंड शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और हो सके तो अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, तो वहाँ भाई वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, न्यू न्यू वीडियो के अपडेट देता रहता है, मैसेज करोगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, लिंक इन दी बायो, नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में बायो बोल रहा हूँ भाई, क्या छुट्टी आ गया हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके।